आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक नई वैकेंसी निकल कर आई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BIS। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यह ऐसी कंपनी है जो भारत में बहुत से चीज़ों का मानक तैयार करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 120 है, और तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज का क्या है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज से पहले आप देख लीजिए नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, लेबोरेटरी के लिए एक पद निकला हुआ है, और सीनियर टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे ITI या तो डिप्लोमाधारी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो यदि आपने BSc बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल से थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है, तो सीनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 30। कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पे आपका UR के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 4, जो इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं उनके लिए 11, SC के लिए 4 और ST के लिए 4, और OBC के लिए टोटल सीट है 4 सीटें, ठीक है। और इधर आप PWD से आते हैं तो यहाँ पे 1 सीट है, और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। और यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन जो कि ITI के लिए निकला हुआ है, तो यहाँ पे आपका टोटल सीट है 20। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगरी वाइज है आपका यहाँ पे UR के लिए 11, यहाँ पे EWS के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए 2, और OBC के लिए 4 सीटें हैं, और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अच्छा, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप इसे अप्लाइंट रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक कर सकते हैं। तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आप इसे अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप जल्दी से आवेदन कर लें। इसके बाद एडुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए आपको बैचलर डिग्री इन साइंस किस किन चीज़ों में, तो माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, या किसी भी आपका इसमें से मिनिमम 60% मार्क्स आया है तो आप बैचलर यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए आप कर सकते हैं। या यदि आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, या सिविल, या केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फूड टेक्नोलॉजी, या तो मेटलर्जी से भी आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का यहाँ पे देखते हैं हम लोग सीनियर टेक्नीशियन पद के लिए। तो सीनियर टेक्नीशियन पद के लिए आपको चाहिए मैट्रिक, और इसके साथ साथ आपको ITI चाहिए। ITI के लिए आपने यदि इलेक्ट्रिशियन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक डीजल, या तो फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, या आपने इन ट्रेडों से आपने ITI क्वालिफाई कर लिया है तो आप सीनियर टेक्नीशियन पद के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ITI जो है इनके लिए 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका एज लिमिट क्या है। तो आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपका 9 मार्च 1990 से पहले नहीं होना चाहिए, और 9 मार्च 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट कैसे होने वाला है। तो दोनों पदों के लिए, दोनों ही पद ग्रुप सी लेवल के हैं, और दोनों पद एग्ज़ाम जो होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद आपको स्किल प्रैक्टिकल या तो ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका रिक्वायरमेंट होगा। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो इसे आप www.bis.bureauofindianstandard.gov.in के वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट और फी का बात करें, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आपको टोटल 500 रुपये फ़ी पे करने होंगे, और SC ST OBC के लिए आपको यहाँ पे फ़ी आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इवेंट, क्या क्या शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन डेट आपको 17 फरवरी से 17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक है।
एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का ये भी 17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो इशू होगा उसके लिए डेट यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया गया है, यानी कि संभावना यहाँ पे संभावित डेट दिया गया है वो 23 मार्च 2020। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा 29 मार्च 2020, और आपका रिजल्ट जो पब्लिश कर दिया जाएगा 21 अप्रैल 2020 संभावित डेट यहाँ पे बताया गया है। तो यदि आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर लें। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ कि इसी तरह से हमारे चैनल पे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। जो आने वाले वैकेंसी थे या जो ये जो आप BIS के एग्जामिनेशन की तैयारी आप करना चाहते हैं घर बैठे, यदि आप फिट ट्रेड से, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मंडे से हमारे चैनल में एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।